हेलो फ्रेंड्स, मैं तुहिन एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्यूटोरियल एंड टेक वीडियो को समझने के लिए एंड तक देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाइट वॉशिंग यानी कि पेंट के बारे में। तो क्या है ये पेंट एंड व्हाई द पेंट इज यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट Paint is used to beautify our house from inside and outside also. So paint mainly decorative जो काम होता है internally और outside उसका काम करता है। और जो बारिश होता है, जब बारिश या heat sun जो heat होता है उससे बचने के लिए भी हम paint करते हैं, वो तो हम advertise में देखा है। ठीक है, तो कैसे करता है इसका एस्टीमेट, चलो देख लेते हैं। तो पहले हमको ये जो आइटम है वो लिखना है, वाइट वॉशिंग इंक्लूडिंग क्लियरिंग एंड स्मूथनिंग, यानी कि स्मूथ भी करना है वॉल को, पहले स्मूथ करना है एंड देन उसके उससे कलर डालना है, यानी कि वाइट वॉशिंग करना है। हम व्हाइट वॉशिंग भी कर सकते हैं, वो जो लाइम दे के व्हाइट वॉशिंग कर भी सकते हैं हम, पेंट वो जो पेंट होता है पेंट भी कर सकते हैं, लाइम पुट्टी भी कर सकते हैं, वॉल पुट्टी जो बोलता है वॉल पुट्टी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले उस आइटम को इधर लिखा, एंड स्मूथनिंग सरफेस थॉरली। इसका सब पॉइंट है ए इनसाइड वॉशिंग। इनसाइड इनसाइड में क्या क्या है, किचन टॉयलेट दोनों को एक साथ ले ले, इसको डायमेंशन सेम था, जो प्लान में जो डायमेंशन था 2.5 × 2.5 इनर टू इनर सेम है इसका, इसलिए एक साथ ही ले लिया किचन एंड टॉयलेट। यूनिट है मीटर स्क्वायर पेंट का, नंबर दो किचन टॉयलेट इसलिए दो, लेंथ है 10 कैसे है पहले बता चुका हूँ। इसको जो लेंथ एंड ब्रेथ सेम है यानी कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए जो पेरीमीटर निकलता है कैसे, इसको 4 × लेंथ यानी कि यहाँ पर था 2.5 × 4 = 10। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 10 आया। हाइट था 3.2, इसका जो प्लान है यहाँ पर देखें 2.1 + 0.15 + 0.95, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वही है 3.2। ठीक है, कुल मिला के हुआ 64। अभी डाइनिंग रूम नंबर है 1, डाइनिंग रूम जो है ये 3 × 2.5 meter इनर टू इनर डायमेंशन सेम। इसका भी पेरीमीटर कैसा हुआ, अभी ये स्क्वायर था, रियर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या हुआ 2 × लेंथ कितना है, लेंथ है इसका 3, ब्रेथ है 2.5, 3 + 2.5 यानी कि हुआ 2 × 5.5 = 11। तो यही हुआ, ठीक है, लेंथ यही हुआ, हाइट 3.2 सेम, क्वांटिटी 35.2। ऐसे ही ये सबका कैलकुलेशन सेम है, डाइनिंग रूम के लिए बेडरूम के लिए सेम, जैसे बोला इसको सभी को पेरीमीटर पहले निकलना है। ठीक है, ये जो है इनसाइड वॉशिंग, ये क्या हो रहा है, फोर साइड जो वॉल है, ठीक है, इसमें पेंट हुआ पहले,
व्हाइट वॉशिंग हुआ, ठीक। फॉर सीलिंग, इसका ये नहीं डिस्कस किया इसलिए इसका सब कैलकुलेशन सेम है, ठीक है, देख लेना एक बार इसका कैलकुलेशन। अभी फॉर सीलिंग, सीलिंग के लिए क्या होगा, सेम यहाँ पर जो आइटम था वही लिखा, सभी का सीलिंग है इसलिए डाइनिंग रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट सभी का है। तो सीलिंग के लिए भी जो कैलकुलेशन है बहुत आसान है, इसका जो डायमेंशन होता है वही लेंथ, लेंथ एंड ब्रेथ वही लेता है। इधर नंबर दो किचन एंड टॉयलेट के लिए लेंथ है 2.5, यहाँ पर जो है लेंथ 2.5, ब्रेथ भी 2.5, हाइट नहीं है, क्वांटिटी है 12.5। डाइनिंग रूम के लिए भी सेम, एकदम एकदम सीधा है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। डाइनिंग रूम के लिए भी 3 इंटू इसका लेंथ है 3, ब्रेथ है 2.5। टॉयलेट के लिए भी सेम, ड्राइंग रूम के लिए 4 इंटू 3.2 यानी कि लेंथ 4, ब्रेथ है 3.2, यही लिखा सब, ठीक है, 4, 3.2, 4.2 यही लिखा। इस प्लान को एक बार देख ले, सब पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका पेरीमीटर। और ये जस्ट सीलिंग के लिए जो कैलकुलेशन है ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटी टोटल करके हुआ 238.88, इनसाइड वाइट वॉशिंग था ये। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड माय चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए। आज इतना ही, थैंक यू।